हो गया है। आज का मेरा ऑफिस देख लो। Hope you all are doing good. Welcome back to my channel, Curse Your Dreamer. तो आज कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। आज 29th of June 2023। तो आज ईद का डे है और मैं अभी जस्ट उठा हूँ। और तो अभी बजे है 5:30, क्योंकि मैं आज इतनी जल्दी उठा हूँ कि आज ईद की नमाज है 6:30 बजे। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, कूल। अभी कुछ गर्मी नहीं है। तो चलिए मैं पहले रेडी होकर आता हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और ये मेरा आज का आउटफिट है। और मैं जल्दी से निकलता हूँ अब नमाज के लिए, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, क्योंकि नमाज 6:30 बजे है। तो फिर मैं अब देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको रास्ते में भी थोड़ा सा शूट करके दिखाऊँगा, वरना तो फिर नमाज के बाद ही मिलते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ नमाज पढ़ के। अभी टाइम हो रहे हैं 7:30, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम लगा वहाँ से यहाँ गया मैं एक रास्ते से, और फिर वहाँ से वापस आया मैं दूसरे रास्ते से, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम हो गया। एंड देन अभी मैं घर पहुँचा हूँ। और मॉर्निंग से मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी बस पानी पिया था सुबह जैसे मैं उठा था। और एंड देन उसके बाद मैं जल्दी वापसी चला गया, वैसे ही चला गया था मैं ईदगाह की तरह। तो पहले मैं देखता हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट करता हूँ, चाय शाय या कुछ और, एंड देन उसके बाद मिलते हैं। तो अभी बजे है 10 एंड मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और उसके बाद मैंने थोड़ी नींद भी करी, मुझे लगता है शायद हाफ एन आवर के लिए मैं सो भी गया था। एंड अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे जाना है अंकल के घर, क्योंकि उनके घर कुर्बानी है, तो इसीलिए मुझे जाना है वहाँ। पहले एक अंकल के घर जाना है, फिर उसके बाद दूसरे अंकल के घर जाना है, उनकी भी कुर्बानी है। फिर निकलते हैं और वहाँ से आके मिलते हैं आपको, क्योंकि हमारी कुर्बानी आज नहीं हो रही है, कल इंशाल्लाह कल होगी। तो अभी मदी के घर कुर्बानी होने वाली है, वो शाम को होगी। तो मैं वहाँ जल्दी से तैयार होता हूँ, निकलता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और गर्मी भी अच्छी खासी हो गई है। और फिर वहाँ से आके मिलते हैं फिर। तो मैं आ गया हूँ अब वापस अंकल के घर से, दोनों वहाँ पे दोनों अंकल के घरों से वापस आ गया, वहाँ पे कुर्बानी होगी। एंड देन मैं वापस घर आ गया हूँ। एंड अभी बजे है 1। तो आप आज का मेरा आउटफिट देख लो। मैंने लगाया आज लैवेंडर कलर का कुर्ता सलवार, एंड ये पेशावरी। नीचे कमेंट लिख लेना कैसा लग रहा है मेरा आज का आउटफिट। तो मिलते हैं अब इसके बाद। 2000 years later. अभी शाम हो गई है, इवन आई गेस मुझे लगता है ये 7 बजने वाले हैं। तो वही लंच करके मैं फिर से बिजी हो गया था, कोई शायद मूवी देख रहा था कि कुछ और कर रहा था, तो उसी वजह से मैं फिर घर से बाहर नहीं निकला। एंड देन 5:30 या 6 बजे मैं फिर से उठा, एंड देन चाय पी, एंड थोड़ा सा यहीं पे घर पे ही घूमा शुमा। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम बारबेक्यू करेंगे, तो अभी वो आग जलाने का प्रिपरेशन हो रहा है। तो क्या होता है तो आपको भी अपडेट मिल जाएगा। तो फाइनली हमारी प्रिपरेशन हो रही है, और ये आप देख सकते हैं क्या है अभी यहाँ पे। ये पहले मटन है, ये मैरिनेशन पे था, पता नहीं कितने टाइम के लिए था। एंड देन यहाँ पे है हमारा ये फिश से, और फिश कबाब भी बनाने हैं। और ये हमारी आग यहाँ पे चल गई, और इस पे हम बारबेक्यू बनाने वाले हैं। तो फाइनली हो गए हैं स्टार्ट, और अब हम ये ग्रिल्स पे लगा रहे हैं। अभी अंधेरा बहुत हो गया है, मगरिब की अजान भी हो गई है। लाइट का थोड़ा सा इशू है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट।
तो यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया है। तो अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो गया है क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ और मुझे कुछ पूरा प्रोसीजर नहीं पता। अब इस पे हम घी की ग्रीसिंग करेंगे। तो हम देसी, प्योर देसी घी है वो ही लगा रहे हैं। आई होप कि आज की जो बारबेक्यू है अच्छी हो जाए क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ पहली बार, इससे पहले कभी नहीं बनाई है मैंने। तो चलिए कैसे होती हैं तो आप लोगों को बताते चलते हैं। تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم। तो आज मुझे समझ आ गया ये बारबेक्यू करना कितना मुश्किल काम है। खाना तो बहुत इजी है बट बनाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसकी जो हीट है ना वो मेरी टांगों तक आ रही थी और मैंने शॉर्ट्स पहना था, इतनी हीट आ रही थी जैसे मेरे टांगे ना जल रही थी। वैसे मैं कितना बर्दाश्त करता, ऊपर से मेरे हाथों पे हीट आ रही थी तो उस वजह से बहुत ही मुश्किल लग रहा था। पहले तो स्टार्ट किया था भाई ने बट कुछ टाइम के बाद वो कहीं चले गए एंड देन फिर पूरा काम मुझ पे ही आ गया, पूरा काम मुझे ही करना पड़ा। एंड और मैं पहली बार कर रहा था, मुझे मैंने इससे पहले कभी बारबेक्यू नहीं मतलब करा है बट ऐसी सारा काम नहीं करा, ऊपर से ये बारबेक्यू भी करो और शूट भी करो, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल सा कोई काम है बट इसमें थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा ही डालना पड़ते हैं बट मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो फाइनली मुझे लगता है ये हो गई है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए इनको प्लेटिंग करते हैं। ऐसी लग रही है, एक तो ऐसे लग रहा है जैसे जल गई है बट ये अच्छे से बुन गई है, पता नहीं अब टेस्ट कैसा होगा वो तो अभी ट्राई करने पे ही पता चल जाएगा। फाइनली प्लेटिंग हो गया और प्रेजेंटेशन में ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे तो अभी मैंने टेस्ट नहीं करा है बट ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर लग रहा है, पर असल में क्या है वो अभी टेस्ट करने पे पता चल जाएगा। ये देख सकते हो कितना शानदार सा लग रहा है। तो अभी मैं टेस्ट करता हूँ एक। टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए चलते थे उसके बाद क्या करते हैं फिश कबाब उसके साथ तो वो आपको आगे बताते हैं। तो अब हमने ख़त्म कर दिया है वो बारबेक्यू, जो फिश कबाब थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं और रेडी हो गए। तो अभी आ गया है टाइम कि हम इस व्लॉग को ख़त्म यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको किसी भी वजह से आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़, मिलते किसी नई ब्लॉग में।